हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत दुखी हैं तो उसका कारण आपकी चप्पल तो नहीं। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर मंदिर के मुख्य द्वार पर चप्पल उतार दिया जाए, घर की चौखट यानी दरवाजे के सामने चप्पल उतार देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है? दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हों। प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा होता है, केवल मंथन करना होता है। शिव पुराण कहती है कि 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाके खड़ी होती हैं, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारण लक्ष्मी लौटकर चली जाती हैं। दोस्तों, अच्छी बातें हमें सुनने में बेकार बहुत लगती हैं, पर शिव पुराण ऐसी पुराण है जिसकी बातें सुन लेने माँ से ही हमारे जीवन को सवार देती है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़कर जाते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ते हैं, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल को जितने लोग लांघ कर जाते हैं उसका भी दुख आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए चप्पल को मंदिर के मुख्य द्वार पर ना उतारें, क्योंकि आपके जीवन में परेशानियां रहती हैं, साथ साथ दूसरों की परेशानियां भी आपके जीवन में चली आती हैं। इसलिए चप्पल जितना हमारे पैरों को कांटों से बचाते हैं, उतना ही उन्हें गलत जगह उतार देने से समस्याएं ही समस्याएं हमारे जीवन में चली आती हैं। दोस्तों, एक बात और है, जो लोग अपने बेड या पलंग के सिरहाने चप्पल रखकर सोते हैं उनके लिए भी एक सलाह है। दोस्तों, पलंग या बेड के सिरहाने चप्पल या जूता ना उतारें, क्योंकि चप्पल, जूता, मोजा, इन सब में नकारात्मक ऊर्जा होती है। इन्हें कभी भी अपने सिरहाने रखकर ना सोएं, अपने सिरहाने से दूर ही उतारें। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो एक बार आप अपने जूते चप्पल को अपने सिरहाने रखकर सोएं और फिर देखना, आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी और आपका मन भी शांत नहीं रहेगा, साथ साथ आपको गलत गलत सपने भी आएंगे। इसलिए अपने जूते चप्पल को अपने सिरहाने रखकर ना सोएं, उन्हें अपने से दूर ही रखें।